अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। आज हम बना रहे हैं बड़ी आलू। ये देखें, ये बड़ी हैं और ये हैं आलू, और इसमें बाकी मसाले जो डलेंगे। ये मैंने चार दरमियानी प्याज लेके इसे पीस लिया है। उसके अलावा दो टेबलस्पून इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट है। इसके अलावा हरा धनिया है, और ये दो चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक चम्मच नमक, थोड़ा सा जीरा, उसके अलावा धनिया पाउडर एक चम्मच, और हल्दी आधा चाय का चम्मच। ये मसाले हमें चाहिए। अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। वीडियो के एंड तक हमारे साथ रहिएगा। ये ऑयल हमने गर्म होने के लिए रख दिया है। लहसुन अदरक का पेस्ट, और इसके अलावा ये मसाले जो मैंने आपको दिखाए थे, ये हम इसमें शामिल कर देंगे और इसका मसाला बनाएंगे। देखें, मसाला भुनना शुरू हो गया है, और मैं इसमें थोड़ा सा धनिया साथ ही शामिल कर रही हूँ। मसाला भुन गया, इसमें हम साथ ही आलू शामिल कर देंगे। ये थोड़े से गल जाएंगे। भुनने के बाद फिर हम इसमें दही शामिल करेंगे। इसके बाद दफा दही से भी आलू थोड़े साथ आलू गलेंगे। इतनी देर हम मैंने ऑयल गर्म रखा है, और इसमें हम बड़ियाँ डालेंगे और उन्हें हल्का सा फ्राई करेंगे। अच्छी तरह से दोनों चीज़ें भुन चुकी हैं। अब मैं इसमें दही शामिल कर रही हूँ, एक पाव दही है। इससे आलू बड़ियों का टेस्ट दही से और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है, तो ये बहुत मज़े की बनेगी। आप भी ट्राई कीजिएगा। लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दही डालने के बाद ये भुन रहा है, और दही का पानी खुश्क हो जाएगा। तो फिर इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी डालकर जितना हमने शुरुआ बनाना है उतना हम पानी डालेंगे, और थोड़ा सा पकेगा। उसके बाद ये इंशाल्लाह तैयार हो जाएगा। बहुत मज़े का बनता है ये। ये देखें, दही का पानी खुश्क हो चुका है, और ये भुन चुकी हैं दोनों चीज़ें अच्छी तरह। मसाला भी जल गया है इनमें, और अब हम इसमें शुरुआ बनाने के लिए पानी डाल देंगे जितना हमने शुरुआ बनाना है।
पानी डाल दिया शुरुआ बनाने के लिए, ये पकेगा थोड़ा सा इसमें से कम हो जाएगा और फिर ये जब तैयार हो जाएगा तो हम सर्व करेंगे, आपको दिखाएंगे। अभी ये पकना शुरू हो रहा है और जब अच्छी तरह से पक जाएगा, पानी का कच्चा पान ख़त्म हो जाएगा, तो इंशाल्लाह बहुत टेस्टी बनेगा, आप भी ट्राई कीजिएगा। ये देखिए हमारा बढ़िया अभी तैयार हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे हरी मिर्चें और धनिया और चूल्हे को हम कर देंगे बंद, इसको हम कर देंगे कवर और फिर हम करेंगे सर्व। ये देखें जी हमने ढक के रख दिया था, इसमें हरी मिर्चों की भी प्यारी सी खुशबू शामिल हो गई है। ये हमारा बढ़िया आलू तैयार है, अब हम इसे निकालेंगे प्लेट में और आप भी आइए हमारे साथ खाइए। ये देखें ये हमने प्लेट में निकाल लिए हैं और ये कितनी प्यारी लग रही है। अब हम इस पर गरम मसाला पाउडर डालेंगे, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकअल्लाह, अल्लाह हाफिज़।